अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद अम्मा, और साथ साथ हम करेंगे अपना मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, मेकअप अम्मा अपना करेंगी, मैं अपना करूंगी। और अम्मा क्योंकि ज़्यादातर जो मेकअप होता है अपना कहीं भी जाती हैं तो वो मेरे से ही करवाती हैं, तो ये आज अम्मा के लिए भी एक टेस्ट है कि उन्होंने खुद जो है ए टू जी सारा मेकअप खुद करना है। रेडी हो? और मैंने पूछा भी कि पहले क्या लगा लूँ, मुझे बता दो, तो कहने लगी नहीं आपने खुद ही करना है और आपने, मैं देखती हूँ कि आप किस तरह करती हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है, अब मैं खुद ही देख देख कर करूँगी। और जब भी हम, मुझे कहीं जाना होता है तो जब हमना नहीं होती है या हमना सो रही होती है या कहीं ऐसी होता है कि हमना अवेलेबल नहीं है तो फिर मुझे करना पड़ता है, तो जब मैं करती हूँ तो जिस वक्त मुझे कर रही होती है उस वक्त तो बिल्कुल नहीं देखती कि हमना क्या लगा रही है। मैं नोट करूँ कि भाई मुझे करना पड़ेगा तो कैसे करूँ, लेकिन ये कि फिर भी मुझे कुछ कुछ समझ आ ही गई है कि क्या क्या लगाना चाहिए। कई दफ़ा मिसिंग कर देती हूँ, कोई चीज़ पहले लगाने वाली वो बाद में लगा लेती हूँ, तो इस तरह गड़बड़ तो मेरी चलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, गुजारा हो जाता है। तो चले अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी करूँगी स्किन को मॉइस्चराइज, और मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक की ड्रामेटिकली डिफरेंट मॉइस्चराइजिंग लोशन। आप कोई सा भी लोशन जो है जो आपकी स्किन पे सूट करता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये तो मुझे पता है तो मैं भी यही लगाती हूँ और बहुत अच्छा है ये। भाई जब मैं कहीं शहर से बाहर जाती हूँ ना तब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि किसी ख़ास जगह पर जब जाना हो, वैसे तो मैं कर लेती हूँ गुजारा, लेकिन ख़ास जगह पर जब जाना होता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मुझे हमना के मेकअप की आदत है और हमना बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा सा बना देती है, तो मैं जब खुद करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है और घबरा जाती हूँ कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ, तो बस वो गुजारा हो जाता है, लेकिन ये कि इसकी कमी बहुत महसूस होती है। अच्छा, पहला सवाल आपके लिए ये है जी कि आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है? फेवरेट बच्चा तो भाई तीनों। अब ये कहोगे मेरा कोई फेवरेट बच्चा नहीं, नहीं तीनों मेरे लिए बराबर है। वाकई हकीकत है, ये बात सही कह रही हूँ कि जब तीनों छोटे थे तो उमर फेवरेट था, क्योंकि उमर जो था वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था, बिल्कुल अलग बातें करता था, हटकर बातें करता था, तो इसलिए वो बहुत प्यारा लगता था, छोटा भी था, लेकिन अब जब से बड़े हो गए हैं। अम्मा उमर को बहुत पैम्पर करती थी, हर वक्त उसके साथ कडल्स कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, और मैं दूर से देख के इतना जलस हो रही होती थी इसके साथ। रमा कहती थी आजा आजा तो मैं भी प्यार कर लेती हूं। इसके साथ भी करती थी, दोनों जब सोते थे रात को तो एक बाजू पर हमना और एक बाजू पर उमर होता था। हमजा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमजा बड़ा था हमसे और उसके अपने रूटीन होती थी, तो या तो वो कंप्यूटर पे लगा होता था या टीवी देख रहा होता था, हमारा बेड टाइम होता था तो हम लोगों को ज्यादा टाइम मिलता था स्पेंड करने के लिए, तो फिर मैं स्टोरियन को सुनाती थी, तो आज वो स्टोरियाँ याद कर कर ये लोग हंसते हैं, कहते हैं अम्मा आप क्या सुनाती थी भी मुझे। अम्मा की स्टोरी यही होती थी, एक बच्चा था वो बाहर जा रहा था और एक लायन आ गया उसको खा गया, उस बच्चे का नाम क्या था? उमर। और स्टोरी खत्म हो जाती थी। मैं अच्छी सुनाती थी और ना अपने से बना बना कर सुनाती थी, लेकिन ये बच्चे इतने चालाक थे उस वक्त भी, उनको पता था कि अम्मा जो है ना स्टोरी अपने से बना के सुना रही है, और बस अभी स्टोरी शुरू ही होती थी, आधी भी नहीं होती थी तो ये लोग सो जाते थे, क्योंकि इनकी रूटीन ये होती थी कि मैं इनको बहुत जल्दी 8 बजे तक सुला देती थी, 7 बजे खाना शाना खिला दिया और 8 बजे इनका बेड टाइम होता था, और क्योंकि दोपहर में ये नहीं सोते थे, जो बच्चे दोपहर में नहीं सोते ना तो वो शाम में रात में जल्दी सोते हैं, तो बहुत माएँ रिलैक्स रहती हैं, दोपहर में ये अपना टीवी देखते थे या जो भी अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो मैं इनको कुछ नहीं कहती थी, सुलाती नहीं थी ज़बरदस्ती, क्योंकि रात को ये फिर सो जाते थे टाइम से और मैं रिलैक्स हो जाती थी, फिर मैं अपने ड्रामे श्रामे देखती थी, क्योंकि उन दिनों हम बहुत इंडियन ड्रामे देखते थे। अच्छा एक और सवाल, आप स्टार्ट करो ना अपना मेकअप। अच्छा जी, क्या लगाना है इसके बाद? इसके बाद है ना ये लगाना है, ये प्राइमर है। हाँ जी, मुझे अब इसका नाम पता चल गया है कि ये प्राइमर है। एक तो आजकल वैसे एक मज़े की बात यह है कि हमारे ज़माने में तो भाई जो है वो इतनी चीज़ें नहीं होती थी, सिंपल हमने बेस लगानी है, फेस पाउडर लगाना है, फेस पाउडर ही होता था, बेस वगैरह भी यूज़ नहीं होती थी, वो लगाइए और उसके बाद जी ब्लश लगा लिया है और लिपस्टिक लगा ली है और आई शेड वगैरह लाइनर, ये आई शेड भी बहुत कम, तो ये चीज़ होती थी, ये हमारा फुल मेकअप होता था और हम बड़े प्यारे लगते थे, कोई इतना ख़ास मेकअप नहीं होता था और फिर भी इतने अच्छे लगते थे। बहुत अच्छे, क्योंकि पुरानी पिक्चर्स जब देखती है तो मुझे यही कहती है कि आप लोगों ने इतना सिंपल मेकअप किया हुआ है लेकिन आप लोग इतने प्यारे लग रहे हैं। भाई बात यह है कि उस वक्त जवानी भी होती थी और थोड़ा सा ही मेकअप कर लिया है उल्टा सीधा, लेकिन अच्छे लगते थे,
तो अब तो भाई ये कि इतनी चीजें हैं और कुछ मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है, इतने नाम है, कुछ पता चल गया है, दिलचस्पी ले लेती हूँ तो पता चल गया है, वरना इतना नहीं पता चलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा आपके दिल में क्या था कि आपके बच्चे क्या करें, स्पेशली हमना के बारे में, बड़े होके क्या करें? भाई हमना के बारे में जहन में यही आता था कि हमना डॉक्टर बने, क्योंकि ये ना शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हमना मुझे तो पसीने आ रहे हैं, तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से ना जहन में यही आता था, क्योंकि यही होता है कि भाई बच्चे जो है जी डॉक्टर बनेगा तो जी बड़ी बात है, और बच्चों के भी यही ऐसे ही ख्वाब होते थे कि जी, और लड़के कहते थे पायलट बनना है, लड़कियां कहती थी डॉक्टर बनना है। नहीं, हमजा कहता था उसे साइंटिस्ट बनना है। हाँ, और वही कहता था कि मैंने आइसक्रीम की फैक्ट्री खोलनी है बड़े होकर। तो उसको आइसक्रीम बहुत पसंद थी, हर वक्त जंक फूड खाता रहता तो था। ये इसके बारे में यही आता था कि कुछ अच्छा बनेगी इसलिए। लेकिन कभी इस तरह का कोई एम्फेसिस नहीं था इस बात पे कि हाँ जी डॉक्टर ही बनना, ये बना। हाँ, अम्मा के दिल में भी ख्वाहिश हो इस बात की। हाँ, या लेकिन ये था कि जहन में ये था कि कुछ अच्छा बन जाएगी, इसलिए कि पढ़ाई में ये सबसे अच्छी थी, अच्छी से मतलब वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बच्चे लड़के होते हैं ना थोड़े से लापरवाह होते हैं तो वो कर जाते थे इस तरह। लेकिन ये जो अपने टाइमिंग की पाबंदी, अपना काम टाइम पे करना, अपना एक आवाज़ में सुबह उठना, रात को टाइम पे सोना, और अपना नीचे खेलने जब ग्राउंड में जाती थी उससे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी ना, ये इसकी सब मैं जब देखती थी, अपने शूज़ पॉलिश करने, अपना बैग संभाल के रखना, अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है वो निकाल के अपना रेडी करके रखना, हर चीज़ ना अपने शूज़ सब, तो ये सब चीज़ें देखती थी, तो बिल्कुल इसने तंग नहीं किया है, पढ़ाई में भी तंग नहीं किया है, और उसके अलावा जो है वैसे भी किसी बात पे तंग नहीं किया है। ये जी कंसीलर है, अब इसे मैं लगाती हूं। ये कंसीलर जो ये करेक्टर वाला है, थोड़ा सा ये ऑरेंज शेड में होता है ताकि जो डार्क सर्कल्स है ना उनको। अच्छा, मेरे बहुत ज़्यादा हैं, और इतने तो नहीं है, नहीं जब हो जाते हैं अक्सर जब मैं नींद वगैरह पूरी ना हो। अच्छा, एक और सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है हमना के अंदर जिसको आप अप्रिशिएट करती हैं और लोगों के सामने बताती हैं कि भाई मेरी बेटी ने ये अच्छी बात है। भाई हमना में ये है कि हमना जो है वो कुकिंग बहुत अच्छी करती है, और नहीं पर्सनालिटी में, ये तो स्किल हुई ना कि अच्छा, भाई कुकिंग बेकिंग हुई, लेकिन जैसे अच्छा पर्सनालिटी में पर्सनालिटी में ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव बहुत है मेरे साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सबके साथ, सबकी केयर बहुत करना कि भाई इसके लिए ये करना है तो इसके लिए वो करना है, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा करती है कि मेरा ख्याल, मेरी केयर, तो ये चीज़ है जी। ये मैं लगा रही, मुझे लग रहा है कि मुझे और लगाना पड़ेगा शायद। क्या चीज़? ये करेक्टर। हाँ, इसको करेक्टर कहते हैं, कंसीलर ही है लेकिन उसको थोड़ा डार्क शेड, थोड़ा सा बता सकते हैं इसे लगाऊं? हाँ, इसे लगा। अच्छा ठीक है, चलें जी देखते हैं आज कैसा मेकअप होता है। अब तो अम्मा ने बहुत बेहतर सीख लिया है, अभी पहले थोड़ा सा गड़बड़ करती थी। मैं कराची गई थी, शादी थी, तो मैंने सोचा कि अब पार्लर वगैरह जाना आना बहुत मुश्किल है कराची में, तो आपको पता है कि बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा खुद ही कर लेना चाहिए, तो मैं हमना से सारी क्लासेस लेके गई थी कि अब ये लगाना है, अब ये लगाना है, ये लगाना है, ऐसे करना है। मैं बड़ी रिलैक्स होके ना बहुत आराम से करती थी, हमना को यकीन नहीं आया कि ये आपने किया है। अम्मा ने मुझे कॉल करके बोला, पहले पिक्चर्स भेजी, और जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैंने अम्मा मुझे आगे से कहती हैं कैसे करो, कहाँ से तैयार हो, मैंने कहा पार्लर से, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये लगाऊंगी ना, बता दो थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। हाँ, ये लगा। अच्छा, ये बाहर पे ले लो, इधर साइड पे पा। अच्छा सही है। और आपका जो ब्रश है ना, वो ये ब्रश से करके ना। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा है ये भी तो बता दूं। ये है फेंटी ब्यूटी की प्रो फिल्टर मैट फाउंडेशन। आपने सुन लिया ना, मुझे तो इसका नाम भी नहीं आता है। ये बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि आपकी मामा बचपन में स्ट्रिक्ट थी या लीनियंट थी? भाई अम्मा इतनी स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं थी बचपन में, लेकिन ये था कि उनको डिसिप्लिन का होता था कि भाई बदतमीजी ना करें, और वो सारी चीज़ें जो एज अ ग्रोइंग चाइल्ड आप सीखते हो अपने पेरेंट्स से, तो वैसा सीन था। लेकिन स्ट्रिक्टनेस इतनी स्ट्रिक्टनेस डैडी की साइड से ज़्यादा होती थी, अम्मा की साइड से नहीं थी। अम्मा से पहली डिश आपने कौन सी सीखी बनाना? अम्मा से मैंने कोई आज सच कोई डिश सीखी नहीं थी,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं स्कूल से आती थी या हमारे मेरे पास फ्री टाइम होता था तो मैं किचन में चली जाती थी अम्मा के पास, और अम्मा जो बनाती थी ना मैं उनको देखती रहती थी, ऑब्जर्व मोस्टली करती थी. तो कुछ रेसिपीज तो मुझे वैसे ही आ गई, कुछ अभी भी. जैसे मैं बिरयानी बनाती हूँ तो उसने मैंने क्या बोला था बिरयानी के लिए दम लगाते हुए, कुछ उलट बोल दिया था कि इसको हम खोल के पकाएंगे या कुछ खोल के पकाएंगे और उसके बाद दम देंगे. मैंने कुछ ऐसी रैंडम गलत बात बोल दी थी. तो अम्मा ने तो इन चीजों में अब जो है ना जाके, क्योंकि थोड़ा सा यू नो थोड़ा मैं प्रोफेशनली सीखना चाह रही हूँ अम्मा से, तो अब जाके अम्मा मुझे ना करेक्ट करती रहती हैं. लेकिन ये कि कुकिंग का इसको शौक रहा है और लेकिन मैंने मैं नोट करती हूँ आजकल के बच्चे इतने माशाल्लाह तेज हैं और इतने एक्टिव हैं कि वो लोग छोटी एज से ही उन्होंने बेकिंग कुकिंग स्टार्ट कर दी है. मेरी दोस्त की बहनें हैं, मैं जो है वो फिश पुलाव बनाकर आई हूँ और हमजा की फरमाइश पर, तो हमना ने हमने खा भी लिया है. हमने कहा फिर आराम से रिलैक्स होके जो है वो अपनी वीडियो बनाएंगे. अच्छा, जो मैंने फाउंडेशन यूज़ की है वो है लॉरियल की फ्रेश 24 आवर फ्रेश वेयर, और ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है फॉर नॉर्मल स्किन, फॉर ड्राई स्किन स्पेशली. मेरी विंटर्स में तो बहुत ड्राई हो जाती है लेकिन समर्स में मेरी कॉम्बिनेशन होती है, टी जोन थोड़ा ऑयली होता है, अदरवाइज नॉर्मली होती है. तो इसकी कवरेज जो है वो थोड़ी बिल्डेबल है कि आप जितना यूज करना चाहें आप उससे ज्यादा कवरेज जो है क्रिएट कर सकते हैं. अब मैं लगाई जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ज्यादा लग रहा है कम है, अब आप लोग देख लें कैसा लग रहा है. अच्छा मैं नहीं बता रही आपने, चले खैर है, वो नहीं बता रही भाई मुझे, मुझे वैसे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा कर लेती हूँ. इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरल सा इसका ये लुक देता है, और मैंने ये हमजा की शादी पे ली थी, बहुत ही मुझे अच्छी लगती है ये, बहुत पसंद है. और किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि आप में और अम्मा में क्या सिमिलैरिटीज हैं, कौन सी ऐसी 3-4 चीजें हैं जो हम दोनों के अंदर सेम आपसे पर्सनालिटी है, पूछा मेरे से, लेकिन मुझे सोचना पड़ रहा है इस बारे में. चलो सोचो. अच्छा जी, पहली तो ये कि अम्मा की साइड से ना मुझे आई थिंक ज्यादा सेंसिटिविटी वाला चीज आई है. ये तो कुछ ज्यादा ही आ गई है. उसके अलावा कुकिंग बेकिंग तो पर्सनैलिटी में नहीं आएंगी ना, तो स्किल्स में आएंगी. और अम्मा की तरह एहसास करना और सब्र थोड़ा सा है, इतना नहीं है अम्मा जितना नहीं है, लेकिन है तो सही. नहीं, मैं बाज़ बच्चियों को देखती हूँ तो उनसे जब कंपेयर करती हूँ तो मुझे बेहतर लगती है. बेहतर लगती है. हाँ चलो जी, मेरा तो शायद हो गया है भाई, अब जैसा भी हुआ है हो गया है. अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आपका अनिया के साथ इतना रिलेशंस कैसे स्ट्रांग है. आई थिंक हम दोनों के लिए ये सवाल, आप पहले बताओ. बस पहले शादी से पहले ही हमारा बहुत ज़्यादा था तो, लेकिन बाज़ अवकात इंसान को डर भी लगता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शादी से पहले इतना ज़्यादा हो और शादी के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसा भी मैंने कई जगहों पे देखा है. तो बहुत सारे डर वसवसे तो आते ही इंसान को, डर भी लगता था, वसवसे भी आते थे कि अल्लाह ताला ये जो प्यार मोहब्बत हमारा है ये आगे भी जाकर इस तरह ही चले. तो बस अल्लाह का बहुत ही करम है, मैं तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है, उस चीज़ में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आएगी. ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला नज़रें बस से बचाए और सबके साथ ऐसा ही हो. तो बहुत अच्छा हमारा रिलेशन है, प्यार मोहब्बत हंसी मजाक बस जितना भी मैं कहूँ ना कम है. अच्छा, मेरे आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये है कि एक रिस्पेक्ट का फैक्टर है हम दोनों की साइड से, और बस बहुत सेल्फलेस किस्म का प्यार है फ्रॉम बोथ साइड्स, और एक दूसरे का ख्याल रखना, इज्जत करना, तो एक दूसरे की जो है लाइक्स डिसलाइक्स का ख्याल रखना. मेरे लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे कभी कभार ट्रिगर करती है, बट अनिया मेक्स श्योर कि जो है मैं मुझे कोई मुझे वो सारी चीज़ें जो है उस तरह से अफेक्ट ना करें, एंड लाइक वाइज आई ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर हर एज वेल. तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखती हैं. अब आपने क्या करना है नेक्स्ट? मैंने अब आपको देखती जा रही हूँ कि मैंने क्या करना. मैंने ब्लश लगाना है. नहीं, फिर क्या लगाना है? पहले पाउडर से सेट करना है. ये पाउडर पड़ा हुआ है, आपने या आप ब्यूटी ब्लेंडर ले लो. अच्छा, और अंडर आईज को करना है, और फिर जो ब्रश है ना उससे पूरे फेस पे करना है. अच्छा, मैं तो अपने ब्लश पार्ट पे पहुंच गई हूँ. नहीं, अंडर आईज को करूँ और फेस पे, मतलब चीक्स वगैरह पे. अच्छा,
मैंने यूज़ किया रेयर ब्यूटी का सॉफ्ट पिंच लिक्विड ब्लश है ये इन द शेड इनकरेज. थोड़ा पर्पलिश है बट ये ब्लेंड होके बड़ा अच्छा लगता है. भाई जिस तरह ये टैप 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 ऐसे करते हैं ना, मुझसे नहीं होता है. नोज पे भी कर लूँ हल्का सा. भाई मेरे मेकअप को भी पास कर देना इसलिए के. अच्छा हमजा और उमर और हमना की एक एक अच्छी क्वालिटी बताएं, सबसे अच्छी क्वालिटी जो हम तीनों के अंदर है. लेकिन सेपरेटली उमर के पहले हमजा से स्टार्ट करते हैं. अच्छा हमजा में तो ये है कि वही बात के जी जितने बंदा तारीफ करे कम है कि केयरिंग है, माँ बाप के की बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत ख्याल है, बहुत प्यार है. ये सब बच्चों में होना चाहिए. तो दूसरा ये कि बड़ा होने के नाते जैसे अपने बहन भाइयों का भी उसको उसके दिल में है कि मेरी बहन है तो उसके लिए अच्छा सोचना, भाई के लिए अच्छा सोचना. और अपने अपनी जो बहनें हैं, अनिया की जो बहनें हैं वो हमजा की भी बहनें हैं, उनके लिए अच्छा सोचना. यानी ये कि ये नहीं है कि सिर्फ अपनी फैमिली, और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सोचना. तो ये उसकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है. और आपकी इसकी भी यही चीज़ें हैं कि सारे के लिए पॉजिटिव बातें बहुत करनी है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है कि जी उसके बारे में ऐसा कहना, उसके बारे में ये वो, इस तरह नहीं है. बहुत अच्छा सोचना. और अगर कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उस मेरे दिल को साफ करना कि जी आप ऐसा ना सोचें, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा. तो ये कि ये है और केयरिंग तबीयत है और ख्याल करना है और ये सारी अच्छी चीज़ें हैं. और उमर थोड़ा सा लापरवाह है, लेकिन उमर जो है वो इन सब से ज़्यादा सेंसिटिव है और उसके दिल में कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा नरम दिल है उसका. और वो जाहिर नहीं करता है, एक्सप्रेस करना तो उसको आता ही नहीं है ना किसी भी चीज़ का, कि खुशी हो, कोई परेशानी वाली बात हो, बस ऐसा हो जाएगा. लेकिन ये कि बहुत नरम दिल, बहुत सॉफ्ट. अच्छा मैं यूज़ कर रही हूँ अब ये शार्लेट टिलबरी का फेस पैलेट पिलो टॉक, और मैं ये वाला हाइलाइटर इसमें यूज़ कर रही हूँ. इतना सटल है लेकिन इतना अच्छा ग्लो देता है. और ये जो पाउडर है ये कौन सा है? ये लॉरा मर्सिए का पाउडर है. चलें जी ये भी लगा लिया मैंने. अब क्या लगाऊं? क्या लगाती ब्लश अच्छा जी. अच्छा आप ये बताओ कि मैंने आपके लिए सबसे अच्छा खाना क्या बनाया आपके लिए आज तक, जो भी कुकिंग की है सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है मेरे हाथ की? मुझे एक इसने बनाए थे रायते वाले बैंगन. ओ हाँ तो बचपन में बनाया. बचपन नहीं था ए लेवल्स में. नहीं यूनिवर्सिटी में. नहीं ए लेवल्स में थी. नहीं यूनिवर्सिटी में थी शायद, पता नहीं कब थी. खैर इसने वो बनाए थे, वो इतने ज़बरदस्त बनाए थे कि 3 दिन तक मैं खाती रही थी. कि इसने मुझे बनाते हुए देख लिए थे, बस मैंने बता दिया कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, इसने कहा मैं बनाऊँ, मैंने कहा बनाऊँ. वो इतने ज़बरदस्त बने थे, इतने ज़बरदस्त. और इसके अलावा जो चाउमीन बनाती है वो मैं सबसे शौक से खाती हूँ, बड़े फरमाइश करके बनवाती हूँ चाइनीज़. और ये एक बीफ चिली ड्राई हमना का बहुत मज़े का होता है, वो बहुत अच्छा. मतलब ये कि हर खाना अच्छा बनाती है लेकिन ये 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं. अच्छा एक जिन्होंने एक फूड वाला क्वेश्चन पूछा था ना, फेवरेट फूड वाला, उसे ये भी, हाँ उन्होंने ये भी पूछा है कि जी हमना को आपके हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है? भाई मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट बचपन से लेके आज तक अम्मा की बिरयानी है शुरू से. और मैं जब छोटी थी ज़्यादा तो मैं बिरयानी को बोलती थी बिरयानी और पुलाव को बोलती थी पुलाव. पुलाव तो ये हमजा और आज तक मेरा इस बात में मजाक उड़ाते कि ये तो बिरयानी और पुलाव उसका फेवरेट है. अच्छा एक क्वेश्चन आया, अम्मा को यूट्यूब पे क्या देखना पसंद है और कौन सा ड्रामा फेवरेट है? मैं आपको बताती हूँ मैं यूट्यूब पे सबसे ज्यादा किसको देखती हैं. एक तो है लता मंगेशकर, अम्मा की फेवरेट सिंगर है. और अम्मा उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी सारी लाइफस्टाइल और जो भी कोई वीडियो आती है वो देखती हैं, बार बार रिपीट पे देखती हैं और बहुत ज्यादा देखती हैं. और गाने तो स्पेशली सुनती रहती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, नेक थी, बहुत ही नेक थी. और ना उन्होंने बहुत ज्यादा मुखलिस अपनी फैमिली के साथ. और आवाज़ तो ऐसी है कि मैं कहती हूँ कि
मैं जितनी मुझे आवाज़ उनकी पसंद है ना, जितने मर्जी अच्छे से अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस उनकी जो आवाज़ है उसमें क्या खूबसूरती है और क्या आवाज़ है, बस तारीफ के अल्फाज नहीं है। ये जो हाईलाइट है ये मुझे बहुत पसंद है। जब मैं तैयार होंगी ना, मुझे कहेगी हाईलाइटर तो लगाओ, मुझे ज्यादा लगाओ, नजर आना चाहिए। ऐसे लगाते हैं। ये भी बता दो ना, ये कौन सा है? वो मैंने बता दिया। अच्छा, तीन ऐसी क्या चीजें हैं जो आप चाहती हो कि मैं अपने अंदर इम्प्रूव करूं? भाई लंबी लिस्ट ना आ जाए भाई। ये है, एक तो जी है कि शायद बहुत बहुत थी, अब तो काफी कम हो। मैं तो बहुत इतनी इतनी शाय थी और अभी भी हूँ, लाइक देयर इज स्टिल अ लेवल ऑफ शाइनेस इन मी, बट बचपन में तो इतनी ज़्यादा कि किसी के सामने बात ही नहीं करनी। नाउ दैट आई लुक एट किड्स जो थोड़ी यंगर एज में है, जैसे मैं आर एस आबिश इन बच्चों को देखती हूँ, तो मैं माशाल्लाह कहती हूँ इस बात पे कि उनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इतनी यंग एज में। तो और दूसरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इतनी ज़्यादा कि ना कि मैं अक्सर परेशान हो जाती हूँ कि या अल्लाह इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मेरी ही तरफ से इसको ये चीज़ मिली है क्योंकि मेरी भी ऐसी नेचर है, तो इसमें तो मेरा ख्याल है मुझसे भी कहीं चार गुना ज़्यादा है। और उसके अलावा एक और चीज़ है, मैं ये चाहती हूँ कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किसी ने ये पूछा है कि आपकी अम्मा में आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो हाँ, तो आई थिंक अम्मा का सबसे ज्यादा जो है इनका सब्र है ना, मतलब बहुत बहुत अम्मा ने ना जिंदगी की जितनी भी मुश्किल टाइम है उसमें बहुत बहुत सब्र से काम लिया है, और शुक्र से और सब्र दोनों दोनों चीज़ों से। तो मैं ये चाहूँगी कि ये क्वालिटी मेरे अंदर भी डेवलप हो और सो दैट आई इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन दिस फैक्टर इंशाल्लाह। कॉलेज में आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती थी? एंड आई लव योर अम्मा, बड़ी सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है क्वेश्चन से ज़्यादा ना अम्मा के लिए, अम्मा की तारीफ़ें आई हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं हमें। अच्छा। आंटी बहुत पसंद है आपकी, अम्मा बहुत प्यारी हैं, और ढेर सारा प्यार आया है मुझे कॉलेज में। हमारी आई थिंक ओ एलेवल्स में जब आए थे ना, तो हमारी फिक्स पॉकेट मनी हो गई थी उसके बाद, लेकिन जब स्कूल में थे तो हमें जो डेली पॉकेट मनी जो लंच के लिए पैसे मिलते थे वो स्कूल टाइम पे थे, जब हम लाहौर में थे तो 30 रुपीज़ मिलते थे, और जब हम इवन ओ लेवल्स के टाइम पे 9th 10th में मुझे 50 रुपीज़ मिलते थे, और जिस दिन बहुत कोई अच्छा दिन होता था तो 100 रुपीज़ मिल जाते थे, तो उसमें हमारा लंच आ जाता था उस ज़माने में। इतना भी पुराना ज़माना नहीं है, मुझे ए लेवल्स वगैरह में 100 ही देती थी, 100 हाँ, शुरू में 50। भाई ये जो वक्त गुजार लिया है ना इन्होंने, ये भी बहुत अच्छा वक्त था। आजकल का जो टाइम है वो बहुत मुश्किल टाइम आ गया है। आजकल तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही है, कुछ आता ही नहीं है 500 में 1000 में, तो बच्चे बहुत डिमांड करते हैं। तो ये जो इनका टाइम है ना बहुत अच्छा गुजर गया है कि 100 तक लिमिट थी, तो 50 भी चलता था, 30 50, फिर 100 तक, एंड में 100 तक, उससे ज़्यादा नहीं। मस्कारा भी मुझे बहुत पसंद है, मस्कारा और लाइनर तो मुझे खुद नहीं, मैं पेंसिल, अपनी काजल एक पेंसिल है वो लगाती हूँ जब मुझे लगानी होती है, वरना हम ना से मस्कारा ही लगवाती हूँ, लाइनर लगवाती हूँ। आपके पास मेरी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपकी फेवरेट है बचपन की, कि भाई ये चीज़ ऐसी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आपको बस अभी भी याद आता हो? मुझे बताए, बता दो। भूल नहीं नहीं ना, सोचो पहले। मतलब मेरे मतलब पर्सनालिटी एस्पेक्ट के बारे में ऐसा कोई वो नहीं है, मेमोरी मैं नहीं बोलूँगी उसको, लेकिन ये कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब हमारा स्कूल का बॉनफायर था, हाँ हाँ, और मैं आई थिंक ग्रेड 3 में थी उस टाइम पे, याद आ गया। और अम्मा ने ना एक बहुत प्यारा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था। जब हम घर पे, तो अम्मा ने मुझे दो ड्रेसेस दिखाए, एक फिरोजी था और एक ऑरेंज था, तो मैंने अम्मा को बोला कि आपने ऑरेंज पहना, फिरोजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब हम वहाँ पे गए तो मैंने देखा कि मेरी अम्मा अकेली बैठी हुई है, बाकी सबकी फैमिली आई हुई थी, क्योंकि डैडी इस्लामाबाद में होते थे, मेरी जो फ्रेंड और जब हाँ वो भी नहीं आई थी और किसी वजह से, और सादिया भी नहीं आई थी क्योंकि हमारी ही दोस्ती होती थी, वो दोनों नहीं आई थी, मैं अकेली बैठी हुई थी और किसी के साथ मेरी इतनी गपशप नहीं थी, तो मैं अकेली बैठी हुई बोर भी हो रही, मज़ा तो बहुत आ रहा था लेकिन अकेला बंदा बोर ही होता है। तो ये भागती भी आई है
और खेल रही है ना, खेल रहे हैं बच्चे, इतने बिजी हैं खेल रहे हैं और किसी की चीज़ का होश नहीं है, उसमें ये भागती हुई आई और मेरे कान में कह के गई, आप सबसे प्यारी लग रही हो। तो वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा था कि मैं आज तक नहीं भूली हूँ। और मैं इतनी खुश हुई हूँ, इतनी खुश हुई हूँ, एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आई, खेल रहे हैं, बिजी हैं और इतना मसरूफ है, और उसमें बच्चों को तो कुछ होश ही नहीं होता है, लेकिन ये भागती हुई आई और आके मेरे कान में मुझे बोल के गई है। तो बस अम्मा तो बस फिर भूल गई। और मेरी सबसे एक बड़ी क्यूट सी मेमोरी अम्मा के लिए, मैं ग्रेड वन में थी, यानी कि आई वॉज अराउंड 6 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और हमारा एक स्कूल का ट्रिप जा रहा था। अब वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि हमारा ट्रिप कहाँ जा रहा था, बट वो मुझे जगह याद है, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द एग्जैक्ट प्लेस। एनीवेज, तो हमारा जो घर था वो उस बेकरी से काफ़ी दूर था, जो मेन बेकरीज थी जो हमारी मेन रोड पे होती थी वो बंद हुई हुई थी आई गेस, क्योंकि बहुत सुबह सुबह का टाइम था, 8 o'clock स्कूल का टाइम होता है। तो अम्मा ऑल द वे हमें हमारे घर की बैक साइड से गुजर के पैदल मुझे लेके गई, और वैन वाले को भी वहीं बुलाया और उस बेकरी पे लेके गई, और वहां से मुझे एक चॉकलेट पेस्ट्री दिलाई थी, फला मेरा तो अम्मा पे दिल आ गया उस टाइम पे। और मुझे अभी भी उस दिन, हाँ मैं अकेली बैठी, ये बात तो मुझे आज ही पता चली तो मुझे वो बैठी हुई थी तो मुझे वो बात याद आई कि ऐसा हुआ था। और पता नहीं वो एक होता है कि आपकी उस टाइम पे कोई ऐसी बहुत ज्यादा, यू नो, यू गेट फिल्ड विद यू नो सो मच लव, तो वो चीज मुझे अभी भी याद आती है। भाई ये मुझे तो उस पेस्ट्री की शक्ल भी याद अभी। अच्छा, ये मेरी लिपस्टिक है शार्लेट टिलबरी की, मुझे बहुत पसंद है, और ये अब ख़त्म होने वाली है, तो अब सोच रही हूँ कि दूसरी मंगवा लूँ। इसका कलर बहुत प्यारा है और इतना नेचुरल सा इसका कलर है, और इतना लगा के अच्छा फील होता है, आप पार्टी वगैरह में भी लगा सकते हैं और रूटीन में भी लगा सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मैं इसके साथ पेंसिल को टच देती हूँ ताकि वो थोड़ी सी और प्रोमिनेंट होती तो अच्छी लगती है, तो मैं पेंसिल ढूंढ रही हूँ, चलिए इससे लगा लेते हैं। ये एक पैलेट है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये हमने इसका नाम बताएगी, ये आजकल नहीं दोबारा से आ रहा है, ये ABH का पैलेट है, नस्ताजिया बाय बेवरली हिल्स का लिप पैलेट, और ये अब नहीं आ रहा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था। इससे थोड़ी सी पेंसिल की वो बना लूँगी लाइन सी, और फिर ये मैं यूज़ करूँगी, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कलर। और एक दो और कलर हैं वो भी आपको दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये भी अनिया ही मेरे लिए लेकर आई थी, किसी ने ये भी पूछा है कि आपकी और अम्मा के दरमियान का रिलेशनशिप कैसा है, दोस्तों जैसा है? बिल्कुल दोस्तों जैसा है भाई, मैं हर वक्त हमना के रूम में होती हूँ और हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, और हमारी फैमिली की, सारी फैमिली की जो गपशप होती है ना, अनिया, हमजा, उमर, हम सब इसके ही रूम में बैठते हैं और हमें यही मज़ा आता है, और जो भी गेस्ट भी आते हैं ना तो इसके ही रूम में होते हैं, तो हम ना के साथ ही होती हूँ। और हमारा इस तरह का बॉन्ड है कि माय बेस्ट फ्रेंड इवन सेज के ऐसा बॉन्ड तो हर माँ बेटी का होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो वो बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हो, आप लोगों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस नहीं है और वो गैप नहीं आता है, तो ये जी देखें मैं तो तैयार हो गई हूँ, अभी थोड़ा सा एक चीज़ और रह गई है, और भी लगा लूँ, मुझे हाइलाइटर चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे लगाना है, ब्लश नहीं, ब्लश नहीं लगा रही ना। किसी ने ये पूछा है कि अम्मा जो है वो क्राइसिस के टाइम पे किस तरह चीज़ों को डील करती हैं, और इतनी ठंडी मिजाज कैसे रहती हैं अपने एंगर के, गुस्से के टाइम पे, नहीं जो गुस्सा आता है अम्मा को तो फिर भरपूर आता है, नहीं मैं, लेकिन ये कि जाहिर नहीं इतना करती हैं, बस उस जैसे होता है ना शाउट करना, ऊंचा चिल्लाना, चीखना, बोलना, इस तरह नहीं, खामोश हो जाती हूँ मैं, बहुत आराम से सिचुएशन को डील करती हूँ और बस खामोश हो जाती हूँ, फिर ये क्या आराम से आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं तो आपको सुकून मिल जाता है, चीखने चिल्लाने से तबीयत भी ख़राब होती है तो ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, तो क्या ज़रूरत है जी। मेरा मेकअप तो हो गया है, अब आप बताएं कि मैंने कैसा किया है, ठीक कर लिया? अच्छा किया, सही कर लिया, 9 out of 10। अच्छा, एक पॉइंट इसलिए काट रही हूँ कि थोड़ी सी जैसे इतना नीट नहीं है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा, अच्छा है। इतना नीट नहीं है इसका मतलब, फिर नीट कैसे करना चाहिए? मतलब ये कि थोड़ा सा ज्यादा ब्लेंडेड और ज्यादा थोड़ी, अच्छा, सी अच्छा। वो करके, और हाँ। आईलाइनर नहीं है, इस वजह से थोड़ा आईलाइनर नहीं है,
तो ये कि फिर भी ठीक कर लिया है ना, बेहतर कर लिया, अच्छा किया। पास हो गए, पास हो गए। आप लोग बताइएगा कि कैसा मैंने किया है। मुझे तो लग रहा है ठीक कर लिया है, आप लोग पास करेंगे। So that's it for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी and we've answered most of your questions in this video as well. तो वैसे एक बात आपस की बताऊं, मेरा दिल चाह रहा है आप लोगों से बातें ही करती रहूं, इतना मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है। और अगर आप लोग बीच में शामिल होते तो फिर क्या ही बात थी। अभी तो खैर, लेकिन आप शामिल हो गए ना, आपके क्वेश्चंस आ गए हैं तो आप भी शामिल हैं, बहुत मजा आ रहा है। और मेरा गपशप खत्म करने को दिल नहीं चाह रहा है, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, मुझे इतना मजा। मानो भी आ गई है, माई मानो को शेव हो गया, शेव कर। भाई आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सच्ची बात में बताऊं, इतने प्यारे लगते हैं, इतनी प्यारी प्यारी आप लोग कमेंट करते हैं। और कोई अगर बुरे भी करते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छे लगते हैं, उनके लिए भी दुआ कर देती हूँ कि कोई बात नहीं। और आप लोगों से बहुत प्यार है, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और हमेशा खुश रहो और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहो। चलें जी फिर, आई विल बी मीटिंग यू गाइस इन अनदर वीडियो। Allah Hafiz. I love you.